राजस्थान में भाजपा का कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि प्रदेश में भाजपा का सफाया होना निश्चित है। इसलिए कोई नेता प्रदेश अध्यक्ष बनकर बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कोटा में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम में यह बयान दिया। मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है, फिर चाहे भाजपा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो, मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो, कोई भी दाव कामयाब नहीं रहेगा। चाहे तो प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और पूरा मंत्री परिषद भी बदल ले तो भी खात्मा तय है। उन्होंने कहा कि चेहरा बदलने या नाम बदलने से मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। वे अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगी या नहीं बनाएंगी यह तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि आगामी चुनाव में बीजेपी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। प्रदेश में जनता सरकार से त्रस्त है, खासतौर पर हाड़ौती का किसान सबसे ज्यादा परेशान है। आज हमने संभाग भर से हजारों की तादाद में बूथ कार्यकर्ताओं को कोटा मुख्यालय बुलाया है। हजारों की संख्या में यह कार्यकर्ता जुटे हैं। हम लोग आगामी चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। हाड़ौती में कांग्रेस हमेशा से ही मजबूत रही है। आज के कार्यक्रम के बाद दुगनी ताकत के साथ हम जनता के बीच जाएंगे और सरकार की विफलताओं को उनके सामने रखेंगे। बीजेपी का बड़ा मामला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस समय पे कोई भी उस पद को शायद लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, और ये जानते हुए इस पद को कोई ग्रहण नहीं कर रहा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। और ये जो असमंजस बना हुआ है शायद इसी कारण बना हुआ है। हालांकि बीजेपी का इंटरनल मैटर है किसको अध्यक्ष बनाए नहीं बनाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेहरे बदलने से या किसी को बलि का बकरा बनाने से मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकती हैं। वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदलें, चाहे मुख्यमंत्री बदलें, चाहे मंत्रिपरिषद के लोगों को बदलें, बीजेपी की सरकार का जाना तय है। लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, पर आज कोटा संभाग के तमाम बूथ कार्यकर्ताओं का आमंत्रित हमने किया है मुख्यालय पर। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता जुटे हैं और हम लोग अगले 5-6 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हाड़ौती में हमेशा से कांग्रेस मजबूत रही है और आज के कार्यक्रम के बाद दुगनी ताकत से हम लोग जनता